साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों आज नए टॉपिक पे भाई बात करेंगे दुबई से रिलेटेड। एक्चुअली में लॉकडाउन आपको पता चल ही रहा है, सब जगह है, ये तो बातें पुरानी हो चुकी हैं। कोरोना वायरस का मैटर चल रहा है तो मैं बता दूं कि भाई ज़्यादातर वीडियो जो फेसबुक पे आप देख रहे हो या फिर यूट्यूब पे किसी भी सोशल मीडिया पे देख रहे हो तो व्यूज़ लेने के चक्कर में लोग फेक वीडियोज भी बना रहे हैं। तो ये चीज़ें सब बताने के लिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको सही जानकारी आप तक पहुंच सके ताकि आपको सही बातों का नॉलेज होता रहे। तो आज अपन बात करेंगे साथियों दुबई के हालात क्या हैं, दुबई ने क्या कड़े कदम उठाए हैं इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन उसको दबा के प्रेस कर लें ताकि जैसे नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बात करते हैं साथियों दुबई से रिलेटेड। आप यूएई दुबई की क्या नई अपडेट है कोरोना से रिलेटेड, मैं बता दूं भाई दुबई का भी हाल इंडिया के जैसे होने वाले हैं। दुबई की पॉपुलेशन इतनी कम होने के बावजूद वहां के केस इतने अचानक तेजी से बढ़ गए जिसको आप सोच नहीं सकते। 4000 प्लस केस वहां पे पॉजिटिव हो चुके हैं जिसमें से 850 के करीब रिकवर हो चुके हैं। 25 से प्लस डेथ अभी तक दुबई में हो चुकी हैं। आज की 13 अप्रैल तक की डेट की मैं बात कर रहा हूं। तो भाई यूएई गवर्नमेंट, दुबई की जो गवर्नमेंट है वो कड़े कदम उठा रही है। अभी पूरे तरीके से कर्फ्यू जैसे हालात दुबई में हो चुके हैं, जॉब वगैरह सब टोटली बंद। इतने दिन थोड़ा बहुत चल रहा था अबू धाबी में या दूसरी जगह जहां पे प्रभाव कम था, लेकिन अभी पूरा यूएई ब्लॉक कर दिया गया है। जो बंदा जहां है वहीं पे रहेगा, स्पेशल पास से जिसके पास अनुमति है पुलिस प्रशासन की वो बाहर निकले, बाकी का पूरा सिस्टम जहां में आप सब लोगों को पता ही होगा। वहाँ की गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई जो जिस बाहर के मुल्क हैं, जैसे सबसे ज़्यादा लोग इंडिया के हैं, पाकिस्तानी या फिर नेपाली बांग्लादेशी ये लोग हैं, तो वो गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये लोग अपने देश पहुँचे, जो वहाँ पे फंसे हुए हैं दुबई में, ठीक है, जो दुबई में फंसे हुए हैं जिनको अपनी कंट्रियों जाना है, जिनके पास काम नहीं है, जॉब नहीं है या फिर जिनके पास वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं, वो गवर्नमेंट ये चाहती है कि अपनी कंट्री जाएं, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से अपनी जो गवर्नमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है फ्लाइट्स को। यानी वहाँ से फ्लाइट्स रेडी है इंडिया में आने के लिए, पाकिस्तान में आने के लिए, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो लोग यहाँ पर आए, अपने बंदे भी यहाँ पर नहीं है, वो चाहती है कि जो हैं वहीं के वहीं रहे। तो भाई दुबई गवर्नमेंट ने कड़ा फैसला लिया है, वो ये उसने ये अभी अनाउंसमेंट किया नहीं है, एक दो दिन में शायद ये हो जाएगी। वो गवर्नमेंट ने कड़े फैसले ये लिए हैं कि अगर किसी भी कंट्री ने जिनके वहाँ पे बंदे हैं, जिनके वर्कर हैं या फिर लोग दुबई में हैं, वो उनके लोग, उनकी सरकार उनको नहीं बुलाती है वापस, तो उस कंट्री के खिलाफ दुबई यूएई गवर्नमेंट कड़े फैसले लेगी। अब कड़े फैसले की बात बता दूं कि हो सकता है उन्होंने बोला कि हम लेबर कोटे के हिसाब से बंदे आपके वर्कर लेंगे, यानी अभी तक की कंडीशन ये थी कि जितने मर्जी इंडिया के या फिर पाकिस्तानी बांग्लादेशी नेपाली जितने मर्जी बंदे जा रहे थे, जैसे सिंगापुर हो गया, ये जो कोटा होता है ना, कोटा जैसे 70% उनका है, 30% विदेशी लोग आ सकते हैं, वैसे ये गवर्नमेंट बोल रही है कि जो सरकार हमारा कहना नहीं मानेगी, अपने बंदे वापस नहीं बुलाएगी, उस कंट्री के खिलाफ हम जो वर्कर अग्रीमेंट उनका होता है, वर्क अग्रीमेंट, उसको दोबारा से हम रियलाइज करने की सोच सकते हैं। यानी मैं बता दूं आने वाले टाइम पे दुबई इंडिया के सबसे ज्यादा लोग दुबई के हैं, लगभग 40 लाख के वर्कर के करीब हैं, पाकिस्तानी 30 लाख के करीब हैं। अगर ये सरकारें वहां के अपने बंदे फंसे हुए वापस नहीं लेती है तो भाई इनके साथ, आप लोगों के साथ भी, आपके भी साथ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर लेबर कोटा वो बनाएगी, जो लेबर अग्रीमेंट है वो दुबई जाना भी इतना आसान नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये बैड न्यूज़ मैं मान सकता हूँ पाकिस्तानी बंदों के लिए या फिर इंडियन बंदों के लिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ये चाहे तो अभी जितने बंदे वहाँ पर फंसे हुए हैं वो बंदे अपनी फ्लाइट भेज के वहाँ पर दुबई से वापस बुलाए, या फिर वहाँ की फ्लाइट भी यहाँ पर आने के लिए तैयार है, उनको परमिशन दी जाए कि भाई ठीक है हम इतने बंदे एक्सेप्ट कर लेंगे। हालांकि गवर्नमेंट ने बोला है कि हम वही बंदे वहां पे वापस भेज रहे हैं जो कोरोना ग्रसित नहीं है, जो संक्रमण नहीं है कोरोना से, अगर कोरोना से संक्रमित है उनकी जांच होने के बाद हम फ्लाइट में बिठाएंगे, अगर कोरोना से संक्रमित है तो उनको हम यहीं रखेंगे, उनका इलाज करेंगे, फिर उनको अपनी कंट्री भेजेंगे। तो उम्मीद है साथियों एक दो दिन में हो सकता है, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने भी गल्फ में कंट्रियों के जो सरकारों के जो मैन पीएम शेख वगैरह हैं उनसे बातचीत चल रही है, हो सकता है कि वहां से जो बंदे फंसे हुए हैं उनको लॉकडाउन में इंडिया में प्लेन उतरने की इजाजत दे दी जाए।
मेरा मैसेज यही है कि जो लोग दुबई में हैं, वर्क परमिट लगा हुआ है, भाई इंडिया ना आए। अगर इंडिया आ गए हो सकता है कि ये कोरोना की वजह से कुछ से गड़बड़ हो गई तो वापस जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे आपके दुबई से। गरीब बंदे हैं, सबके सिर पे कर्जा चढ़ा हुआ है, तो मेरी माने वहीं पे कैसे तैसे करके अपना एडजस्ट करें, काट लें। महीना भर की बात है, अप्रैल में उम्मीद है कि मई में सब सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो बस यही बैड न्यूज़ के साथ मैंने ये बातें आपको बताई है कि यूएई गवर्नमेंट कुछ कड़े फैसले लेने जा रही है। अगर इंडियन गवर्नमेंट या फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट या फिर और भी जो बंदों अदर कंट्रियों की जो गवर्नमेंट हैं उन्होंने अपने बंदे वापस नहीं बुलाए तो वर्क जो उनका अग्रीमेंट होता है वर्कर से रिलेटेड वो चेंज हो सकता है, जिसमें कोटा लागू हो जाएगा। मेरी आपसे आशा यही है कि जैसे तैसे करके आप दुबई में हैं, आपके पास अगर आप जॉब आपको करना चाहते हैं, आपके पास वीज़ा है, एक्सटेंड हो जाएगा, तो इंडिया ना आने की सोचें। और जो फंसे हुए हैं, जो घूमने के पर्पज़ से गए थे, जो विजिट वीज़ा में गए थे, जिनको वापस इंडिया आना है या फिर वैसे भी इंडिया आना है, वो भाई आ सकते हैं, उनके लिए रास्ते खुले हैं। जब भी गवर्नमेंट दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ करके फ्लाइट उतारने की इजाज़त मिल जाएगी तो आप आ सकते हो। और आशा करता हूँ कि जल्द ही 2-4 दिन में ये फैसला आने वाला है। ठीक है साथियों, नए अपडेट के साथ जानकारी लेने के लिए अपना चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे दुबई से रिलेटेड वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।